नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे बिना रजिस्ट्रित मोबाइल नंबर के। तो दोस्तों, जब भी आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आप अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपके नंबर पर जो रजिस्टर्ड नंबर होता है उस पर एक OTP जाता है, वो डालते हैं लाके, तब आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो पाता है, आपको आधार कार्ड मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, अब जो है एक ऐसा तरीका आ गया जिसके माध्यम से रजिस्टर्ड, आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है फिर भी आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, अपना आधार कार्ड अपने घर मंगा पाएंगे। कैसे, चलिए जान लेते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो आपके काम का है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आप इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है UIDAI.gov.in, तो जो है इसकी लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट यहां पर जा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि नया जो यहां पर फीचर ऐड हुआ है, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे आधार सर्विस इस वाले ऑप्शन पर और सबसे लास्ट में आइए ऑर्डर आधार रीप्रिंट, यानी कि फिर से आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ से आपका आधार कार्ड नंबर पूछ रहा है या BID नंबर, ठीक है। तो अपना आधार कार्ड नंबर इस बॉक्स में भरिए और सेकंड नंबर पर जो ये कैप्चा है, ये जो भरा हुआ है वो यहाँ पर इसमें भरना है। और ध्यान से यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक लिख रहा है, यहाँ पर ये लिख रहा है इफ़ यू डू नॉट हैव ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि कह रहा है अगर आपके पास वो मोबाइल नंबर नहीं है जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है तो आप इस पर टिक लगाइए, यानी कि रजिस्टर्ड OTP पर यहाँ पर टिक लगाइए। तो जब टिक लगाएंगे तो यहाँ पे एक नया मोबाइल नंबर पूछेगा, नया का मतलब आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो करेंट में अभी आपके पास हो, ठीक है। तो कोई भी नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, चलिए तो यहाँ पर मैं डिटेल भर देता हूँ। तो दोस्तों, अब आप देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे पहले मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है, यहाँ पे ये जो कैप्चा है इधर, ये जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको सेम टू सेम भरना है। और यहाँ पे अगर आपके पास जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तभी आप टिक लगाइए, अगर है तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है, ऑटोमेटिक आपके नंबर पर OTP चला जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो टिक लगाइए, यहाँ पर नया नंबर डाल दीजिए जो नंबर आप दूसरा चाहते हैं, यानी कि दूसरा नंबर जो भी आपके पास वो डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर कर देते हैं क्लिक। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, आपके जो आपके पास जो करेंट मोबाइल नंबर है जो आपने डाला था उस पर एक OTP जाएगा, वो इस बॉक्स में भर देना है और सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ और साथ ही में आपको इधर साइड पे जा करके ये कैप्चा ये लिखा है ये सेम टू सेम फिर से आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। तो ये मैं चलिए भर देता हूँ। और दोस्तों, आपके नंबर पर जो OTP जाएगा केवल 10 मिनट के लिए वैलिड होता है, ये देखिए डाल के मैंने सबमिट कर दिया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अभी सबमिट। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि यहाँ पे आपको बता रहा है दिस इज ए सिंपल इमेज, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और यहाँ पे ये बोल रहा है कि पेमेंट करने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीव्यू ऑन आधार डिटेल इज नॉट अवेलेबल फॉर नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल बेस ऑर्डर, ठीक है, प्रोसीड विद आधार रीप्रिंट ऑर्डर बाई मेकिंग पेमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे 50 रुपये देने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास आधार कार्ड यहाँ पे रजिस्ट्रित नहीं है, इसलिए ठीक आधार कार्ड में सॉरी मोबाइल नंबर रजिस्ट्रित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेक पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे 50 रुपये देने के बाद ये जो आधार कार्ड है आपके घर पर आएगा, यहाँ 2, 4, 6 दिन में 8 दिन तक लग सकते हैं, आपके घर पर भेजा जाएगा। देखिए 50 रुपया पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हैं UPI से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको एक स्लिप दिखाई देगी, वो स्लिप आपके पास संभाल कर रखना है, 8 से 10 दिन तक वेट करना है, आपके घर आपका आधार कार्ड जो है आ जाएगा। दोस्तों, बहुत अच्छा फीचर, आपको ये फीचर कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको अच्छा लगा फिर भी बताइए और ख़राब लगा फिर भी बताइए। थैंक फॉर वॉचिंग।